हाथरस की निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के बाद मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को पत्र याचिका भेजी गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी की ओर से भेजी गई पत्र याचिका पर जनहित याचिका कायम कर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज मामले की सुनवाई कर सकती है। पत्र याचिका में पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई है। इसके साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में कराए जाने की भी मांग है। साथ ही गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के परिजनों को मामले के ट्रायल तक सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है। पत्र याचिका में कहा गया है कि हाथरस जिला और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए जो इस मामले की जांच को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। पत्र याचिका में परिजनों को बगैर विश्वास में लिए रात के अंधेरे में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि जिस तरह से जल्दबाजी में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया है वो पुलिस के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। वहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी की ओर से चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को भेजे गए लेटर पिटीशन में मामले को बेहद गंभीर और शर्मनाक बताते हुए इसे अर्जेंट बेसिस पर सुनने और कोई आदेश जारी किए जाने की गुहार लगाई गई है। हमारी बेटी जो कि हाथरस की बेटी है निर्भया, इसके साथ बहुत ही घृणित कृत्य किया गया है और इसी बेसिस पे मैंने लेटर पिटीशन के थ्रू चीफ जस्टिस को से ये मांग की है कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो। जुडिशियल इंक्वायरी से ही चीज़ें सच्चाई सामने आएगी। पहली मांग है हमारी। हमारी दूसरी मांग है कि इसकी मॉनिटरिंग स्वयं हाई कोर्ट करें। और तीसरी हमारी मांग है कि विक्टिम के फैमिली की सिक्योरिटी, जो कि इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो की जाए। और चौथी हमारी मांग है कि जो भी इस केस से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, नहीं तो वो लोग एविडेंस टेम्परिंग 110% करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। पत्र याचिका में कहा गया है कि हाथरस की निर्भया के साथ पहले दो दरिंदों ने हैवानियत कर उसे मौत के घाट उतारा। इसके बाद हाथरस के सरकारी अमले ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए रात के अंधेरे में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। इसमें परिवार वालों को भी शामिल नहीं होने दिया गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पत्र याचिका को हाईकोर्ट PIL यानी जनहित याचिका के तौर पर मंजूर करते हुए UP सरकार से जवाब तलब कर सकता है। पीड़िता के साथ हैवानियत और उसकी मौत के मामले को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों में उबाल है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर पर रात के अंधेरे में शव का अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर भी लोग गुस्से में हैं। वहीं इस मामले में योगी सरकार ने जांच के लिए SIT गठित कर दी है। साथ ही CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित परिजनों से भी बातचीत की है। CM योगी ने पीड़ित परिजनों को मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिजनों को शहर में एक आवास, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।